तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की सबसे बड़ी घोषणा जो है इस वक्त आप सभी के लिए निकल के आ रहा है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री साई की सबसे बड़ी घोषणा है आप सभी के लिए, बहुत ही बड़ी जो है खुशखबरी है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि धान का चौथा किस्त व बकाया राशि 917 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जो बकाया राशि आपको मिलेगा, आपको बता देना चाहता हूँ कि एक मुश्त जो है वितरित होंगे। आपके पूरे के पूरे जो पैसे हैं 917 रुपये जो प्रति क्विंटल की दर से आपके जो पैसे बचे हैं वो 917 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आपके बैंक अकाउंट में एक ही बार में पूरे के पूरे जो है पैसे वितरित हो जाएंगे। इसके अलावा भी आपको जो है धान का चौथा किस्त का पैसा भी आपको मिलने वाला है। काफ़ी किसान थे जो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उन्हें लग रहा था कि भूपेश बघेल की जो योजना था राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसके तहत 4 किस्तों में पैसे जो है कांग्रेस सरकार के द्वारा कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिए जाते थे, तो अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार तो नहीं रही, तो क्या बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा बीजेपी सरकार के द्वारा हमारा पैसा मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। इन सभी चीज़ों को लेकर जो है छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के बीच में एक असमंजस की स्थिति में थी। तो मैं आप सभी को ही बता देना चाहता हूँ कि बिल्कुल अब आप लोगों को किसी भी तरह से असमंजस में रहने की या किसी भी तरह से डाउट में रहने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की सबसे बड़ी घोषणा, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री साई की सबसे बड़ी अपडेट आप सभी के लिए निकल कर आ चुका है। धान के आपको जो है चौथी किस्त का बोनस का पैसा आपको जो है मिलेगा और बकाया राशि 917 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आपके बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर किए जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि बीजेपी ने जो वादे किए हैं, बीजेपी जितने भी वादे करते हैं उन सभी वादों को पूरा करती है। तो 3100 रुपये में जैसे कि वादा किया था चुनाव के समय, इलेक्शंस के टाइम जब हमारी सरकार आएगी, जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, तो हम जो है 3100 रुपये में जो है धान खरीदेंगे और एक मुश्त जो है वितरित करेंगे पूरे पैसे। तो अब उनके द्वारा जो है बीजेपी सरकार के द्वारा विष्णु देसाई सरकार के द्वारा जो है काफी इम्पोर्टेंट काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए काम किए जा रहे हैं एक के बाद एक ही। आपको बता दूं कि मैं छत्तीसगढ़ में 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य जो है बीजेपी ने तय किया है, विष्णु देसाई मुख्यमंत्री जी ने तय किया है। उन लक्ष्य को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के पूर्ण रूप से धान बिक जाने के बाद, पूरे धान खरीदी प्रक्रिया जो है समाप्त हो जाने के बाद आप सभी किसानों के आप सभी के बैंक अकाउंट में जो है उसके बाद ही जैसे ही धान खरीदी समाप्त हो जाता है उसके अगले दिन ही 917 रुपये आपके बैंक अकाउंट में पूरे के पूरे जो है राशि आपके बैंक अकाउंट में पूरे के पूरे जो है बैंकों में आपके जो है पैसों की राशि जो है ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है देखने को मिल पाता है। तो छत्तीसगढ़ में विष्णु देसाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट काम किया जा रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण काम किया जा रहे हैं। जी हाँ, आप सभी के लिए जितने भी अपडेट होते हैं, आप सभी के लिए जितने भी घोषणा पत्र होते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो होते हैं, जितने भी अपडेट जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, डेफिनेटली वो हर एक अपडेट डेफिनेटली हर एक वो चीज आप सभी के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रखता है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की सबसे बड़ी घोषणा आप सभी के लिए जो है सबसे बड़ी योजना इस वक्त जो है आप सभी के लिए जो है निकल के आ रहा है। और धान का जो है चौथी किस्त का बकाया राशि आपको जो है धान की जो है चौथी किस्त का बोनस का राशि धान की जो है चौथी किस्त के बोनस का भी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सफलतापूर्वक आपके बैंक अकाउंट में पैसे जो है आ जाएंगे और बकाया जो राशि है 917 रुपये प्रति क्विंटल की दर से वो भी पैसे आपके जो है मिलने वाले हैं। तो देखो भारतीय जनता पार्टी जो अपने वादे जो करती हैं, जो घोषणा पत्र जारी करते हैं, उन सभी वादों को पूरा करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट जो है प्रतिबद्ध है, उन सभी वादों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी विष्णु देसाई की सरकार जो है संकल्पित है। और हर एक वादे को, चाहे जो मोदी जी की गारंटी थे, जो मोदी की गारंटी थे, उन सभी गारंटी को भी पूरा किया जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोदी की गारंटी में सीजीपीएससी घोटाले को लेकर भी चर्चा थी कि जब बीजेपी की सरकार आएगा, बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, तो सीजीपीएससी घोटाले की जो है सीबीआई जांच होगा, तो वो भी चीजें होने वाला है। और सीजीपीएससी मामले की जो है घोटाले की जो है जांच भी होगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो आपको आश्वासन देती है, जो वादा आप लोगों से करती हैं, जो जो घोषणा पत्र जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा
आप सभी के लिए किए जाते हैं, डेफिनेटली बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा उन सभी वादों को, उन सभी मैनिफेस्टो को, उन सभी घोषणा पत्रों को पूरा किया जाते हैं। तो आप सभी को जिसका इंतज़ार था 3100 रुपये जो है प्रति क्विंटल एक मुश्त, वो जल्द ही आपका जो है पूरा होने वाला है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा। आप सभी किसानों के, जो है बैंक अकाउंट में जो है 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आपके बैंक अकाउंट में पूरे के पूरे जो है राशि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आपके जो है बैंक अकाउंट में जो है पैसों की राशि जो है ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। पैसों की राशि आपके बैंक अकाउंट में सफलतापूर्वक जो है भेज दिए जाएंगे और बकाया जो राशि 917 रुपये है वो जल्द ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। पूरे के पूरे जो है राशि आपके एक मुश्त जो है वितरित होंगे। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय की जो है सबसे बड़ी घोषणा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी मैनिफेस्टो, सबसे बड़ी घोषणा आप सभी के लिए निकल के आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है देखने को आप सभी को जो है मिल पाता है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा जितने भी अपडेट होते हैं, जितने भी घोषणा पत्र होते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो होते हैं, उन सभी चीजों को पूरा करने का काम आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा किया जाते हैं। उन सभी वादों को पूरा करने का काम ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का, प्रत्येक किसानों का, बैंकों का भी 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ जो है देखने को मिल पाएगा, क्योंकि ज्यादातर किसान जो है कर्ज की वजह से ही बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी किसान आप कर्ज की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत में रहते हैं, बैंकों के कर्ज की वजह से लिप्त रहते हैं, और वो सभी किसान यही सोचते हैं कि किस तरह से हम जो है सभी चीजों को ठीक कर पाएंगे, किस तरह से हम जो है सभी चीजों को मैनेज कर पाएंगे। इन सभी चीजों के बारे में सोच सोच कर सबसे ज्यादा तकलीफ जो है छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को होता है। तो अब फाइनली जो है आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अब फाइनली आप सभी के लिए अच्छे अपडेट आ चुके हैं। आप सभी किसानों का, सभी बैंकों का जो है कर्जा माफ होने वाला है। जी हाँ, 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम आपका जो है लोन माफ होने वाला है, चाहे आपका गवर्नमेंट बैंक हो, चाहे आपका प्राइवेट बैंक हो, सभी बैंकों का, एक एक करके सभी बैंकों का, प्रत्येक बैंकों का, प्रत्येक किसानों का जो है बैंकों का 2-2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हो पाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। और प्रदेश में करीब 22 लाख किसान है, 22 लाख किसानों को इसका पूरा का पूरा जो है फायदा, 22 लाख किसानों को इसका पूरा का पूरा जो है बेनिफिट, एडवांटेजेस आपको देखने को फिर आपको अवश्य रूप से ही मिल पाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें महतारी वंदना योजना की, जी हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लाया गया ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है, काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये योजना। तो महतारी वंदना योजना में छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विवाहित महिलाओं के बैंक अकाउंट में जो है 12,000 रुपये की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। जी हाँ, 1 महीने में 1,000 रुपये और 12 महीने में कुल टोटल जो है 12,000 रुपये की राशि। अब इसके लिए पात्र कौन होंगे और कौन जो है अपात्र होंगे, तो इसके लिए पात्रता के नियम और शर्तें की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में प्रत्येक विवाहित महिलाओं के बैंक अकाउंट में जो है महतारी वंदना योजना की किस्त प्रत्येक विवाहित महिलाओं के बैंक अकाउंट में, और बैंक अकाउंट में जो है 12,000 रुपये की राशि आपके बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफर किए जाएंगे। ये भी चीज़ें आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी चीज़ें आप सभी के लिए जो है कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है, कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जो भी अपडेट है, जो भी घोषणा पत्र है, जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप सभी के लिए निकल कर आते हैं, वो हर एक अपडेट, वो हर एक चीजें आप सभी के लिए कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो महतारी वंदना योजना से छत्तीसगढ़ के सभी महिलाओं को जो 12,000 रुपये आपको मिलने वाला है वो जल्द ही आपके बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफर किए जाएंगे। और महतारी वंदना योजना में 1 महीने में 1,000 रुपये आपको मिलेगा, यानी कि छत्तीसगढ़ के सभी प्रत्येक विवाहित महिलाओं के बैंक अकाउंट में प्रति महीने जो है 1,000 रुपये। जी हाँ, 1,000 रुपये की पहली किस्त आपके जो है बैंक अकाउंट में कुछ ही दिनों में जारी होने वाला है। इसके अलावा आपको बता देना चाहता हूँ कि 25,500 रुपये आपको अतिरिक्त लाभ भी मिल रहा है धान में, यानी कि 1 एकड़ अगर आप धान बेचते हैं तो प्रति एकड़ जो है 21 क्विंटल छत्तीसगढ़ के सभी किसान अभी धान जो है बेच पा रहे हैं, और प्रति क्विंटल 3100 रुपये की राशि आपको जो है मिल रहा है। तो ये भी चीज़ें आप सभी के लिए जो है कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है, आप सभी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो
आप सभी के लिए जो भी अपडेट होते हैं, आप सभी के लिए जितने भी घोषणा पत्र होते हैं, आप सभी के लिए जितने भी महत्वपूर्ण अपडेट होते हैं, जितने भी चीज़ें जो आप सभी के लिए निकल के आते हैं, वो हर एक अपडेट, वो हर एक चीज़ें आप सभी के लिए कहीं ना कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो मैं आप सभी से बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी के लिए जो भी वादे किए जाते हैं, जो भी घोषणा पत्र हैं, जो भी चीज़ें निकल के आते हैं, उन सभी चीज़ों को पूरा करने का काम आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जाता है। उन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट, उन सभी वादों को पूरा करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है प्रतिबद्ध है, और डेफिनेटली आपके हर एक सपनों को पूरा किए जाएंगे, डेफिनेटली आपके हर एक वादों को, डेफिनेटली आपके हर एक ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है प्रतिबद्ध है। और ये तो बस एक शुरुआत है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ये तो बस एक शुरुआत है। आने वाला जो टाइम होगा ना, आने वाला जो वक्त होगा, वो आज से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। तो आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए और भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली हैं, आने वाले टाइम में और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए निकल कर आएंगी। इसके अलावा तेंदुपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपये जो है प्रति मानक बोरा की दर से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो भूमिहीन कृषकों को, भूमिहीन मजदूरों को भी 10,000 रुपये की राशि बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में 18 लाख गरीब परिवारों का आवास भी मिलेगा। आई होप जितनी भी जानकारी, जितने भी अपडेट मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी, सभी अपडेट आपको पसंद आया हो। अगर जानकारी आपको, वीडियोस पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साई की सबसे बड़ी घोषणा, धान चौथे किस्त, आपको जो है धान का चौथे किस्त का पैसा मिलने वाला है। जो बकाया बोनस का राशि है वो एक साथ आपके बैंक अकाउंट में, पूरे के पूरे जो है एक साथ आपके बैंक अकाउंट में सभी पैसे वितरित होने वाला है। तो इस वक्त की आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी जो है विष्णु देसाई जी के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण खुशखबरी है, आप सभी के लिए निकाले जा रहे हैं। तो 2 लाख रुपए तक का छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का, सभी बैंकों का जो है कर्जा माफ होने वाला है, क्योंकि आप सभी के लिए ही काम किए जा रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा लोगों तक फिर पहुँच